मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लज पाना दे लड़ लगिया मेरे ने तो गम परे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लज पाला दी मंगतिया मैं लज पाला दी मंगतिया मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम भरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लज पाला रल करो सईयो मेरा मुर्शद न रुस जावे दुआवां रल करो सईयो मेरा मुर्शद न रुस जावे जिन्ना दे मुर्शद रुस जावे जिन्ना दे मुर्शद रुस जावे ओ जींदे जी मरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे मेरे तो गम परे रहंदे मेरे तो गम परे रहंदे मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत शुक्रिया ज़ताज हसन और अमून गिल। राइट, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं, कैसे हैं आप लोग? नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि आज का शो जो होता है वो हफ्ते का लास्ट शो होता है, यानी कि जुम्मे का शो होता है। और हम लोग इसलिए भी चार्ज होते हैं कि हमने 5 दिन बहुत मेहनत की होती है, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट लाते हैं और वीकेंड की चार्जमेंट होती है। वीकेंड आने वाला होता है और हम इन्जॉयमेंट की तरफ जाते हैं कि रेस्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे दोबारा एक नई एनर्जी के साथ और नए नए गेस्ट के साथ। नाज़रीन, कोरोना की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा अब ऑन हो गई हैं और इट्स रियली वरीसम कि कल के केसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 2500 हो चुके हैं और 2500 इज़ समथिंग।
और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है उसमें उन्होंने साफ बताया है कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, नॉट अगेन कोरोना, प्लीज माफ कर दो हम सबको और चली जाओ हमसे दूर, बहुत दूर, क्योंकि कोरोना जो है वो सर पर सवार ही हो गए हैं। तो वाकई अभी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। मेरा कोई 8 महीने के बाद मैंने लेक्चर लिया, लेक्चर हॉल में जाके मुझे जैसे सांस में सांस आई कि मैंने जब लेक्चर्स ओपन हुए परसों, लेकिन फिर अभी एक दिन गुजरा था तो दोबारा गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है, अब सब कुछ दोबारा ऑनलाइन होगा। फिलहाल लेट्स सी क्या बनता है, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर में कोरोना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या बल्कि फ़ौरन ख़त्म हो जाए। ठीक है, डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, जहाँ मैं हूँ DREJAZWARIS। आपके मुझे वहाँ पर बहुत मैसेजेस आते हैं और बल्कि उनमें से अक्सर लोग तो यहाँ गेस्ट बन के भी आ जाते हैं, आपको मालूम नहीं होता बिकॉज हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन अब ये नंबर्स जो हैं ये बहुत फ्लॉरिश हो गए हैं, ये व्हाट्सएप स्टेटस सब कुछ, वहाँ काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। शुक्रिया पाकिस्तान ट्रस्ट करने का और मान करने का, बिकॉज आप लोग हैं इतने अच्छे। आज का शो भी कल की तरह म्यूजिकल सा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी ज्ञानी आ चुके हैं। आपने स्टार्ट जब लिया तो आपने जाना कि दो होनहार यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने किस तरह से मेला लूटा है स्टार्ट में ही एक कलाम से, और उन्हीं के मैं इंट्रो से स्टार्ट करूँगा। एक ऐसा लड़का जो पिछले 3-4 सालों से गा रहा है, सीखी हुई ज्ञानी आवाज़ है और बहुत ही सीखी हुई आवाज़ जब होती है फिर वो उनकी अपेयरेंस भी वैसी होती है कि सही म्यूजिकल चेहरा हो जाता है, आला पाए के म्यूजिकल हैं, आला दिल से निकली हुई आवाज़ के मालिक हैं। और आज देखा आपने सबूत सामने आपके क्या लाइव गाया, अभी उस लाइव में बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं गा पाते लेकिन जरताज जो हैं वो तो ऐसा गाते हैं कि फिर कमाल कर देते हैं। तो आइए मिलते हैं आपको, मिलाते हैं सरताज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा गा लेते हो मतलब लाइव में इतनी फ्लुएंसी, आई मीन हर एक के बस की बात नहीं है, पता ना आपको करम है, बड़ों को सुनते हैं, हाँ बड़ों से सीखते हैं। मैंने कहा ना आपका तो सब कुछ म्यूजिकल अवतार लग रहा है, और ब्लैक कलर जो है ना वो सबका फेवरेट होता है, ऑब्वियसली ब्लैक तो ब्लैक है, आर्टिस्ट वैसे ब्लैक में खुश रहते हैं। हाँ, ब्लैक तो कैसा लगा आज प्रोग्राम का आगाज करके? बहुत खूबसूरत है ना, बहुत मजा आया, मजा आया, वेलकम ऑन द शो और थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ आपका, बिल्कुल एनी टाइम। और आपको मिलवाते हैं एक और होनहार लड़के से जो कि वो भी सीखी हुई हैं और देखा भी आपने किस तरह उन्होंने बजाया तो फिर मजा आया और बहुत ज्ञानी है वो भी, और अब वो क्या क्या ट्रेवर्स करके आगे ट्रेवल कर रहे हैं म्यूजिक दुनिया में उनसे ही जानेंगे। अमून गिल जो हैं वो भी काफ़ी होनहार हैं म्यूजिक के हवाले से और आज कंपनी करेंगे सरताज को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्मेंस थी, ये बस जो भी मैंने परफॉर्म किया ये सब कुछ मेरे उस्तादों के देन है, उनकी खिदमतें की हैं और उनसे सीखा है, और हमें उस्ताद भी ऐसे मिले हैं कि जो वाकई सच में उस्ताद। देखो बॉयज़, एक बात कहूँ मैं आप लोगों से, आप दोनों इसलिए भी ब्लेस्ड हो क्योंकि आप दोनों टीचर्स की ओबीडियंसी के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल आप दोनों ने आगाज़ ही अपनी बात का इस तरह से किया कि हम टीचर्स को यू नो, तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसे लोग मिलेंगे आपको यहाँ आते हैं, पता नहीं होता कौन टीचर, हम तो सीखी सीख रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही। मैंने पहले ये बात की कि जो कुछ भी है वो मेरे असातिज़ा का है, या अगर जो कुछ अच्छा है वो मेरे असातिज़ा का, अगर कोई गलती है तो वो मेरी। वाह क्या बात है, देखा आपने नाजरीन, ये हैं फिर हमारे आज के जबरदस्त टैलेंट जो अभी और भी बहुत सारे गाने गाएंगे यहाँ। ठीक है, वेलकम ऑन द शो। हाल ही में मैं एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च में गया और वहाँ मिला एक और सिंगर से जिनका बहुत ही पैपी सा वीडियो था, बहुत ही आला पाएगा और बहुत ही कमाल वीडियो हिट हुआ है जिसमें बहुत सारे टिकटॉकर्स भी हैं, शर्जील हैं और भी बहुत से लोग हैं और बड़े मज़ेदार वीडियो बनी है, बहुत आला आवाज़ है इनकी भी, बहुत ही यंगस्टर हैं और काफ़ी अच्छा गा रहे हैं। आले हैदर गिलानी जो हैं वो आज फाइनली जेजी के शो में आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले तो मुबारकबाद कबूल करें कि काफ़ी अच्छी वीडियो जा रही है आप। थैंक यू सो मच। लेकिन ये क्या राज है कि टिकटॉकर्स के बिना आजकल गाने हिट नहीं हो रहे, ये क्या वजह हो गई है? टिकटॉक जो है वो कल भी ये बात कर रहे थे बल्कि हम, जी बिल्कुल, टिकटॉक जो है वो आवाम बहुत ज्यादा देख रही है, आवाम बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ लोग टिकटॉक बना भी रहे हैं। यू नो कल एक सिंगर थी वो बहुत खफा हुई इस बात पे कि आखिर हम लोग क्यों टिकटॉकर्स के मोहताज हो चुके हैं। बिल्कुल, अभी इससे पूरी डिबेट चली, बहुत सारे सिंगर्स थे और फिर बहस, वो कह रहा है क्यों चली, वो कह रहे हैं हाँ चली, मैं पागल हो जाएंगे सब। नहीं, ये अल्लाह ताला की देन है, देखें इसमें फेम किसी को हम लोग कह नहीं सकते कि क्यों आया या कहाँ से आया, जो भी दे रहा है अल्लाह दे रहा है, ठीक है, आप इतने अच्छे हैं कि आपकी आपकी जो नीयतें हैं ना, जैसे आपकी नीयतें वैसे आपके अमाल है, वैसे ही आपको लोग जो हैं वो आगे से मिलते हैं। एग्जैक्टली, अब ये सबसे मेन बात है कि हम लोग गाने में आए, ठीक है,
और गाना जो था वो एक्चुअली मेरा नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसका पार्ट बन गया क्योंकि लिरिक्स और कंपोजिशन वही होता है ना, किस्मत में ऐसे ही लिखा होता है। बिल्कुल, वो हम लोग ज्यादा जो वाइब्स लेते हैं वो इंग्लैंड की वाइब्स लेते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को यूके का म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। तो यूके के म्यूजिक जो है वो प्रॉपर एक फील अप है, जिस हम बिलाल सईद कर रहे हैं, फलक शबीर कर रहे हैं, बड़े बड़े हमारे सिंगर्स, तो एक चीज एक जॉनरे होता है हमारा, तो हमारा भी जॉनरे लाइक उस टाइप का ही है। मैं काफी देर तक उनके साथ साइन था, उनकी कंपनी के साथ, तो तब तो एक गाना आया खाली मेरा, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और फिर अब बैक टू बैक आ रहे हैं मेरे। और अब बताएं कि ये सॉन्ग का टाइटल क्या था? ये सॉन्ग का टाइटल है मैं तेरा राजा, और इसको प्ले करें फिर अभी। तो आइए जनाब, अभी हम इससे वीडियो से आगाज करते हैं म्यूजिकल डोज का, वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके होंगे फॉर श्योर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिलहाल जाएंगे मैं तेरा राजा को, आप भी देखिए, मैं बहुत तारीफें कर रहा हूँ वीडियो की, बहुत मजे की वीडियो बनी है, फीचरिंग शर्जील एंड सो मेनी अदर पीपल। कौन कौन है इसमें? निमरा भी तो थी, निमरा अली है इसमें, बहुत आला। आइए देखते हैं, एंड वी आर बैक। और क्या वैसे वीडियो थी, मजा आ गया भाई, आला पाई की वीडियो थी, और बाकी टिकटॉकर्स ने कमाल किया, और निमरा भी आजकल काफी इन जा रही है और कमाल करती है, बातें बहुत करती है वैसे, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। हमारे एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, मुझे उन्होंने खास मैसेज किया कि मेरा इंट्रो सही से करवाना। मैं कहा आए अल्लाह, उफ ये तेरी अदा, ये नाज, ये अंदाज। तो जनाब हमारे दोस्त जो हैं वो CEO है फ्रॉम अट्रैक्ट इवेंट्स, और अट्रैक्ट इवेंट्स जो है वो नाम है प्रोफेशनल वेडिंग्स में, अगर आपने बर्थडे प्लान करनी है तो हमेशा कॉन्टेक्ट करें अट्रैक्ट इवेंट्स से। चौधरी फारूक इफ्तिखार जो हैं वो काफ़ी हार्ड वर्कर हैं इस मामले में, जितने मैंने इनके इवेंट्स अटेंड किए ना, बहुत ही लेविश किस्म के होते हैं और बहुत आला पाए के होते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे? इतने छोटे से हो तुम लेकिन काम बड़े बड़े कर लेते हो, है ना? ऐसा होना चाहिए, हार्ड वर्कर हो। Since the day I met you, I thought कि आप वाकई hard worker हैं। So how's life? Nothing special. काम। लेकिन कोरोना जान नहीं छोड़ा, पता ना? कोरोना जान नहीं छोड़ा, और सुनने में आया कि फिर लॉकडाउन का सीन हो रहा है। Exactly, सही कह रहे हैं आप। लेकिन लॉकडाउन उस तरह नहीं हो रहा, मैंने पता किया कि हमारे भी कुछ लिंक्स तो हैं, तो वो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन इन सम एरियाज, पूरा बंद नहीं कर सकते आप, लेकिन आई थिंक जो यूनिवर्सिटीज खुली है ना, ये जो हब्स होते हैं ना जहाँ पर सब मिल जाते हैं दिल और ये नहीं बद्दुआएं नहीं है, जहाँ दिल मिलते हैं आजकल यूनिवर्सिटीज में, दिल मिलते हैं। और बिलीव करें आजकल की ये रिपोर्ट थी कि पंजाब में एक दिन में 800 केसेस सिर्फ यूनिवर्सिटीज से आए हैं, कोई केयर नहीं हो रही है, पता ही आपको सुपर से ऊपर है आप। आइए सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, मेरी कहानी मेरी जुबानी, और अपने यंगस्टर्स को जो आज हमें ज्वाइन किए हैं, सब यंगस्टर्स ने, उनकी कहानियां सुनते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितनी किस्मत ने उनका साथ दिया, वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आपसे स्टार्ट करते हैं, बताओ अपने बारे में, कैसे म्यूजिक में आए और सब बताओ सफर अपना। म्यूजिक जीन्स में था, बाबा भी गाते हैं, तो बचपन से शौक था, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा ये था कि पहले स्टडी में जो है ना वो एजुकेशन में स्टेबल हो जाए, आफ्टर दैट म्यूज़िक, तो फिर घर की बात है। तो आफ्टर इंटर मैंने जो है ना म्यूज़िक को टाइम देना शुरू किया, बाबा से सीखा म्यूज़िक को, फिर मेहनत करता रहा मैं, कहते हो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, तो मेहनत की तो आज आपके साथ बैठा हूँ। और किन को सुनते थे? मैं मेरे आइडियल जो है गाने में भी, मेरी इंस्पिरेशन जो मेरे बाबा से है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरी हर वक्त यही कोशिश होती है कि मैं उनको खुश करूँ। और उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम मेडिसन खान साहब, वाह, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा क्या बात है, या फिर रंजिशी सही जो है आप, वो सुनाएंगे हम आपको। एक मुझे उनका बड़ा पसंद है मास्टरपीस, वो है ना मैं होश में था, वो तो लव है, ऐसा गा दिया उन्होंने कि मुझे लगता था जैसे मेरे ऊपर गूज बम्स टाइप कुछ। चले अब आपको भी सुना दें, बस एजुकेशन साथ स्टडी चल रही थी, साथ ये मैंने शुरू कर दिया। क्या पढ़े हो आप? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। तो थोड़ा सा शौक मुझे फलसफे ने भी दिया कि मौसीकी क्या है। तो क्या है मौसीकी फिर? म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स। वाओ, क्या जवाब दिया भाई इन्होंने, आला। क्योंकि इट्स एन एग्जिस्टिंग थिंग। मतलब मुझे आपसे बात करके मजा आ रहा है, क्योंकि आप वाकई बहुत मुझे म्यूजिक से प्यार करने वाले और सीखे हुए लग रहे हैं ना। मैं इसको अपना पैशन भी मानता हूँ और प्रोफेशन भी मानता हूँ। मैंने जिंदगी में अगर करना है तो सिर्फ ये करना है। वाह, सही काम। स्टडी तो चल रही है ना, स्टडी तो साथ चल ही रही है।
वो फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए मैं सिर्फ म्यूजिक कर रहा हूँ, वरना लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा एक हजार हाँ, वो लोग लोगों को जो है समाज में यही है सब कुछ। जी जी वैसे क्या करते हो बेटा, रिश्ता मांगने आएंगे आपका, तो पूछेंगे आप रिश्ते के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि बेटा वैसे तो तुमने बहुत कुछ किया, तुम वैसे क्या करते हो, जरूरी है चले जनाब, अच्छी बात है। अच्छा आप बताओ अमून अपने बारे में। सर मेरा सिस्टम ये था कि मैं इस चीज को ये समझता हूँ कि जो आर्टिस्ट है ना वो पैदाइशी आर्टिस्ट होता है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर एक रिदम था बचपन में, मैं जब स्कूल जाया करता था, स्कूल से वापस टिफिन था मेरे पास, और वो टिफिन को जब मैंने जाना स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था वो खाली हो जाता था, वो बड़ा अच्छा साउंड करता था, तो मैं रास्ते में बजाते आता था वो। देखा आप लोगों ने, जो सही होते हैं ना लोग वो ऐसे ही होते हैं, वो उस पे सुर निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो फिर वो टिफिन से यहाँ तक आ गया मैं। इसके अलावा मैंने स्टडीज भी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने ग्रेजुएशन की है, और साथ में अभी सेंट एंथनीज कॉलेज में बकायदा ये म्यूजिक पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं 14 साज बजाता हूँ डिफरेंट। और इसके अलावा मैंने दुबई से 3 दफा बेस्ट तबला प्लेयर का अवार्ड भी लिया। वहाँ भी गाना जा चुके हैं, लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने कुछ काम अच्छा खासा कर लिया है, आला पाए का। हाँ, कॉन्फिडेंस बताता है ना आपके लहजे का कि आप अच्छा काम कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है म्यूजिक में? सर मैं अगर तबले में देखा जाए तो उस्ताद तारिक खान बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद जाकिर हुसैन पाकिस्तान में, उस्ताद ताफू साहब, ये लेजेंड लोग हैं, और इनको देख देख के, इनको सुन सुन के, इनके पास बैठ बैठ के और सीखा है बहुत आला। इसके अलावा मेरे उस्ताद जी, मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने बुनियादी तालीम ली है, उस्ताद नियाज़ी खान साहब, नियाज़ी खान उनसे। और इसके अलावा जो जरताज भाई के वालिद साहब हैं वो भी मेरे टीचर हैं, वो एक्चुअली मेरे कॉलेज में टीचर थे, और वहाँ से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई चीज़ें उनसे ली हैं, बहुत कुछ। मुझे सिखाते हैं मेरे बड़े भाई, इनकी ऐसे ही होते हैं ना, फिर एक और 11 बन जाते हैं। सही है, सही। आज इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ सुनाते हैं। देखिए हम भी चाह रहे हैं कि आज म्यूजिकल करें और एक डिफरेंट सा शो करें। सर ये बेसिकली बेस है म्यूजिक। हाँ आई नो, ये तो है असल म्यूजिक, ये बेस असल म्यूजिक तो है ही यही है। बिल्कुल आपको पता ही है इस बात का। बिल्कुल असर इसी में है, सही है, बुनियाद है, स्टार्ट यही है, तो इसको करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आपको मजा आएगा। सरताज साहब को तो आपने पहले भी सुन लिया है, तो मजीद आपको खुश करने की कोशिश करें। खुश करने की कोशिश कीजिएगा, खुशी खुशी देना बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी बात होती है। लेकिन अब आप बताओ मुझे कि वो तो कह रहे हैं कि जो असल में तो ये है। बिल्कुल जो आप गा रहे हैं वो क्या है फिर, वो आप जवाब दो मुझे। ये जो है वो क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, वो एक प्यार का नाम है, वो आप प्यार बांटते हैं, और आप प्यार इस जगह से कह लें आप इस तरह के, ये लोग जो है वो क्लासिकल में है, हम लोग ज्यादा, हम लोग भी यही करते हैं, लेकिन हमारा जो जॉनर है वो पॉप की तरफ जाता है। okay. क्योंकि हमारी न्यू यूथ भी है, न्यू यूथ को भी कोई मैसेजेस देना है। मोस्टली होता है कि आवाम जो है वो क्लासिकल बहुत ज्यादा सुनती है, मोस्टली जो होता है वो कहती है कि यार नहीं, जरा डीजे वाले चश्के वाले गाने होने चाहिए, बेस वगैरह हाई होने चाहिए उसमें, तो हम लोग फिर उस तरह म्यूजिक कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, क्या बात है आपकी, जबरदस्त। तो आपकी कहानी सुना, कहानी क्या आपकी? कहानी है कि मैंने इतना स्टार्ट किया एज अ लिरिसिस्ट, लिरिसिस्ट यूं कि मेरी जो वालदा थी वो गज़लें वगैरह जो पढ़ी वगैरह होती हैं ना, मिर्ज़ा गालिब वगैरह की, मीर वगैरह की, जिस तरह भी नज़में होती हैं वो पढ़ पढ़ के याद करती थी, और याद करने के वो फिर मुझे बाय बॉन्ड मिल गई ये चीज़ कि मैं एज अ लिरिसिस्ट बन गया। और लिरिसिस्ट के बाद मैंने काफ़ी कंपनीज के साथ काम किया, काफ़ी सुपर डुपर हिट गाने दिए मैंने 2015 टू 18 के जॉनरे में, तो वो गाने अप्रॉक्सीमेटली कोई 70-80 मिलियन के करीब करीब वो गाने दिए गए। और कुछ मेरी कांटेक्ट हुआ वो अच्छा भला, मुझे लाइक ये जो बॉन्डेज है ना, ये इसमें कोई आपकी जो है ना वो नहीं है कि आप लॉक नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन ये था कि अगर मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट नहीं होता तो मैं शायद इंडिया जाके दोबारा हिट हो जाता वहाँ पे। लेकिन ये था कि इंडिया जो है, इंडिया से भी बहुत प्यार मिलता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा सुनते हैं वो यूके वगैरह वालों को सुनते हैं, ठीक है, गुरदास मान जी को सुनते हैं। मेरे लिए होते हैं ना म्यूजिक के जो सीनियर्स होते हैं, मैंने जिनसे देख देख के स्टार्ट किया, प्रीत सुंदर जी, ठीक है, एके हो गया, और बब्बू मान जी हो गए, ठीक है, तो ये वो एक अलग बाउंड्री है और ये एक अलग बाउंड्री है, तो बस देख ले, बस स्टार्ट कर, लेकिन चीज एक ही है। बिल्कुल बेस तो म्यूजिक की सबका होता है ना। हम इधर कह देते हैं कि जी पहला सफेद, आप कहते हैं सी शार्प। बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, जबरदस्त। अब आते हैं फारूक आपकी तरफ, बताइए क्या कहानी है आपकी। कहानी कुछ इस तरह है मेरी कि स्टार्ट मेरा जो था वो मीडिया से था। ओके, कहाँ पर ज्वाइन किया था? ज्वाइन नहीं था किया, कि लाइक मीडिया का शौक था मुझे, और
डीजे ऑपरेटर बना, डीजे सीखने की कोशिश की। बस डीजे से जो है ना वो एक शौर पैदा हुआ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी स्टार्ट करूँ अपनी। ओह नाइस। और मैं कर सकता हूँ। वैसे बहुत हिम्मत चाहिए आजकल के दौर में अपनी बहुत काम है। मैंने दो तीन इवेंट्स करवाए लेटली, लग पते गए मुझे, सर खप जाता है वहाँ से। आप यकीन करें। और बस आहिस्ता आहिस्ता मेहनत की, मेहनत करते 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 अल्लाह पाक ने इज्जत दी और आज एक मुकाम पे हैं कि आज अपनी कंपनी। कितने इवेंट्स करवा चुके हैं इस कंपनी के तहत? अट्रैक्ट इस कंपनी को मैं पिछले 6 साल से रन कर रहा हूं। तो अनकाउंटेबल हो गया ना सर। तो बेस्टेस्ट इवेंट कौन सा रहा आज तक, याद है कोई? इस पे बहुत फख्र हुआ कि मैंने किया है, अट्रैक्ट ने किया ये सब। रिसेंटली जो हुआ मेरा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वहाँ से मुझे अपने इवेंट पे जो है वो शील्ड मिली किसी की तरफ से, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट। क्या इवेंट था वो? लाइक उनकी फेयरवेल पार्टी। ओके। तो ग्लॉस होता है आपके, मैं देखा है इवेंट्स में। सही बात है, फूलों के साथ। फूलों के साथ जबरदस्त है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि लाइक रिसेंटली फीजा में लीप का जो इवेंट था, हाँ वो मैं तो वहाँ आया था, मेरे को गवाह उस बात का। और वो इवेंट कुछ इस तरह का था कि अभी तक मैं देख रहा था कि काफी टिकटॉकर्स के ना बर्थडे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो क्लास थी, क्लास उसकी जो स्टेज भी क्लास था और उसके जहाँ पर हमने बनाई थी वीडियो भी क्लास जगह थी। बिल्कुल मजा आया। मैं कुछ अलग करना भी ऐसा चाहिए कि मतलब आप कुछ कर रहे हो ना तो आप हट के करो। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे हैं। हट के करोगे तो आप आगे निकलोगे। डन हो गया, जबरदस्त हो गया। तो अब कुछ परफॉर्मेंस हो जाए आप लोगों की, हम जाएंगे आपके गाने की जाने इसके बाद। चले आइए, तो क्या सुना रहे हैं? मैं होश में। चले। ओह नाइस, वाह। खान साहब के दोबारा से हम वो ना कहते हैं ना उनकी मेमोरीज को जी रिवाइव कर रहे हैं। को गाना कोई आसान काम नहीं, वही तो exactly. बस ये है कि कोशिश है कि अच्छा गा सको उनका कलाम, उनका गाया हुआ कलाम। Thank you.
जरूर उसकी तवज्जो। जरूर उसकी तवज्जो की रहबरी होगी। नशे में था तो फिर अपने ही घर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक। बाकी मुझे लगा कि आपकी काफी हद तक आवाज खान साहब के ना वो एक स्टाइल की आवाज हो गई थी, स्टाइल की। देखो उनका स्टाइल जिस तरह होता था ना वो एक जिस तरह उस तरह लगा था एक हल्की सी। ओह माय गॉड आई लाइक इट। आइए कुछ गेम स्टार्ट करें फिर। अब टीम बी है आप लोग, टीम ए है आप दोनों। गाने तो बहुत गाते हो, अब जरा मुहावरों पे आ जाओ। मुहावरे दिखाएंगे और आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। ठीक है, तो पहला मुहावरा हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। बोलना नहीं मुझसे आपने कुछ भी। ठीक है, कौन एक्टिंग कर रहा है अभी? चले आपकी सर, जानवर के बारे में है। चले आइए। खाया हाथी। हाँ फिर बिल खाया। सौ चूहे घर बिल्ली घर को खाएगी ऐसा कुछ था। बिल्ली घर को खाएगी। आखिरी बच्चे बड़े क्यूट है। उन्हें क्या पता, उन्हें नहीं पता कि मुहावरे बड़े मुश्किल से बने हुए आगे बिल्ली घर को। सही है, देख लिया आपने भी? मैंने देख लिया। ये जानवर के बारे में ही है। वैसे मैं अक्सर फेल हो जाता हूं इन चीजों में। कोई बात नहीं, आज फेल नहीं होंगे आप भी। लग रहा यार। हाँ जिसकी राजू उसकी भैंस। बिल्कुल ठीक है। डन आइए। हाँ जी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छी एक्टिंग किया उन्होंने, बहुत अच्छी एक्टिंग किया। वेरी नाइस। खाली एक आसानी दुआ से बच। वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ा मुश्किल देते हैं आप लोगों को, बहुत हो गया आसान आसान। खुशामद बुरी बुलाए मेरे ख्याल से। हाँ तुम पहुंच गए खुशामदों पे। ओके बैटिंग तो अच्छी कर रहा है। नहीं कोई आइडिया नहीं होगा मुझे। आपको बोल रहा है यार नहीं देखो। मैंने पेड़ से गोल कर एक नार सो बीमार। चलो नहीं जिसकी हांडी उसकी भैंस। इसका जवाब था जिस हांडी में खाए उसी में छेद किया। ये आपने पॉइंट मिस कर दिया। छेद आप ऐसे करते ना ऐसे। नहीं छेद सही किया था उसने। छेद बिल्कुल नीचे से होना था, ऊपर से साइड से कैसे होगा। नाइस ये देखें आप। अभी तक आप जीत रहे हैं पता आप लोग। थैंक यू सॉरी। देखें सॉरी ये नहीं आ रहा। एक ग्लास चाय जरा आप देखें। ये एक्टिंग तो सही कर रहे हैं। एक्टिंग में थोड़ा मसला है। अच्छा
अब हमें तो यूँ लग रहा है कपड़े सुखा रही है और क्या लेती है खवातीन, अब क्या समझाओ उसका जवाब था, जितनी चादर पाँव की तरह आपने चलने का इशारा, आपने चलने का इशारा किया, और अब आखिरी आ रहा है, ठीक है, ओके, साउंड कर सकते हैं हम लोग, चलिए साउंड कर ले, साउंड क्या हुआ, साउंड कर सकते हैं, बेंच के आगे नींद बजा रहा, आला, गुड, आपकी जीत का क्रेडिट भी हमें जाता है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं ना वो आप करें, हम आसमान से गिरा खजूर बैठ गया, बहुत आला, और रिजल्ट ये कि दोनों टीम बराबर हो चुकी है, बिकॉज दोनों ने बराबर बराबर एक गलती की है, ठीक है, डन हो गया, थैंक यू सो मच, कुछ लाइव सुनाओगे हमें भी आप, बिल्कुल मैं लाइव, क्या माइक पकड़ लें आप और कुछ लाइव सुनाइएगा, मेरा एक गाना ठीक है जो 2019 में मैंने लॉन्च किया था, ठीक है, और उसी के मैं बोल सुनाने लगा हूँ, अखियां डिडोरी अखियां छिपा के जंगल आई तेरे नाम, तेरे नाल मैं हसदी वसदी बच तेरे बुरा हाल, गल मुड़ जा सुन ले मेरी अर्जी, इंज ना कर मैं खुद गर्जी, सुन सा जनी इंज रावा विच न रो, मैं वे कुछ बोल 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 मेरे नाल तू प्यार दे बोल, नी बजा मेरे कोल 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 पुल ना जावी कीते कोल, क्या बात है, बड़ा मजे का गाया आपने। अच्छा मैं आपसे सवाल करूंगा फारूक के, मुझे बताओ कि इवेंट्स करना आजकल के दौर में कितना मुश्किल है और कैसे आप उसे कर लेते हैं, बिकॉज ये हर एक के बस की बात नहीं होती, बहुत सारी हैसल्स आती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मतलब हर एक के बस की बात नहीं है, और मैं इस मुकाम तक जो है ना बहुत स्ट्रगल करके पहुँचा हूँ, ठीक है, और अगर मेरी कामयाबी का कोई राज है तो वो है मेरी स्ट्रगल, जो कि आज इस मुकाम पर हूँ। मेरे एक टीचर थे, मैं 3 क्लास में था, तो मैं एग्ज़ाम देकर आया तो उन्होंने ना मुझे एक बात ना तब कही थी, क्या, कि बेटा मेहनत इतनी खामोशी से करना कि आप नहीं आपकी कामयाबी शोर में जाए। वाह नाइस। और मैंने उनकी बात को पिक किया, और जब मैंने स्टार्ट दिया, मेरी फैमिली ने मतलब मेरे खिलाफ थी कि मतलब तुम मतलब ये मत करो, इसमें क्या इसका क्या स्कोप है, पता नहीं था किसी को, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मतलब बहुत से लोगों ने मुझे बाउंड करने की कोशिश की, डिग्रेड किया, लेकिन मैं नहीं पीछे हटा, मैं मेहनत करता गया और आज एक मुकाम पे खड़ा हूँ। और मुश्किल तो है, और आप यकीन करें कि इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमने सोना कब है। बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे आज 5 दिन हो गए हैं, और मैं मेरे ख्याल से 24 घंटों में से 2 घंटे मेरी नींद पूरी हुई होगी। कौन सा इवेंट आ रहा है आपका? अब मेरे नेक्स्ट इवेंट हैं 18 से। क्या है वो? वेडिंग्स के। वेडिंग सीजन चल रहा है बेसिकली। और कल था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का कवाली नाइट थी। कौन था कवाल वहाँ पे? कवाल पता नहीं कौन थे, मुझे कोई मैसेज आया था, कोई लोकल से थे। इतना ट्रैक नहीं किया। बिल्कुल। मैं उसके लिए कहाँ बर्की रोड जाऊँ? देखिए ये बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। ट्रैवल करना भी एक अजाब है आजकल। अजाब है बहुत। और ट्रैफिक इतनी लाहौर की हो गई है कि मैं तो नाम देखता हूँ पहले, कौन कवाल है, कौन कवाल, क्या वो शेरनी आजाद है या फ्रेंड्स जो अगर हो तब जाते हैं उनके लिए जाना चाहिए, और मजा भी आता है सुनने का अच्छे कवाल को। तो क्या प्लान्स हैं आगे? आगे की प्लान्स अभी तो रमजान है, तो रमजान के बाद ही है, और ईद के बाद देखें क्या सूरत हाल होती है। और आप बताइए कि क्या प्लान्स हैं बाप के आगे? अब ये प्लान गाने कुछ और भी तैयार सुना आपके हैं ना? हाँ जी, और रिसेंटली जो यस्टरडे नाइट हमारा गुजरा है, हाँ, हाँ। स्टूडियो में बहुत गुजरा मेरा, और उसमें भी गनी का गाना आ रहा है मेरे साथ। हाँ गनी चाय कह रहा, बहुत अच्छा लड़का है वो, और बहुत तमीज़दार, बहुत बाअदब, वेरी नाइस। तो ये भी एक सीक्रेट था, तो मैंने कहा था कि आपके शो में जाके ही बताएंगे हम लोग। सही है सही है। तो वो भी आ रहा है इन प्रोसेस है, और कुछ मेरी अपकमिंग कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है कुछ, और कुछ समझ में आप प्रोजेक्ट, अब गाने पे गाने आएंगे इंशाल्लाह। सही है सही। तो आप लोगों के वैसे क्या प्लान्स हैं, आप किस तरह चलना आगे करियर को लेकर? प्लान्स तो बहुत ज़्यादा थे 2020 में, हाँ वो सारे पेंडिंग हो गए, अब उन्हीं प्लान्स को लेके चलना है आगे। एग्जैक्टली। तो कर रहे हैं उन पे वर्क्स,
इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आएंगे इन प्लान्स के। अब मिलके मेहनत कर रहे हैं अमून भाई भी। अच्छा एक और 11 होता है तो अच्छा होगा। ठीक है आइए इससे पहले कि आप लोगों को बता करें एक गेम खेलेंगे हम और ट्रू और फॉल्स। अब इसको बहुत दिल पे लेना है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्योंकि मुश्किल चीज़ें होंगी। अब कुछ हम लाइंस पूछेंगे आप सबसे और बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब तुक्के भी इस पे हो सकते हैं। ठीक है सो आपसे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैव मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस। फॉल्स। ये ट्रू था। ओके ठीक है कोई बात नहीं आगे चलते हैं। अच्छा जी आपका सवाल ये है जिस तरह लोग सांस लेते हैं हवा के थ्रू तो व्हेल्स भी ब्रेथ एयर। ट्रू और फॉल्स। जो व्हेल फिश है ना वो भी एयर ब्रीथ करती है। इज ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। इज इट इट्स ट्रू। मुझे भी लिखने मिल रहे हैं मुझे क्या पता होगा इनका। ठीक है अच्छा आगे डॉग्स हैव फोर लेग्स। बहुत आसान है ये बताओ ट्रू और फॉल्स। अदा बताना पड़ेगा पर मजा नहीं आने का। अदा बताओ इतना क्यों सोच रहे हो। ये मुझे इजी भी लग रहा है और मुश्किल भी उतना ही लग रहा है। तो बताइए ना क्या जवाब है इसका। ट्रू। ट्रू था। आप कैसे कंफ्यूज हो गए। फिश लिव इन वाटर। फिश लिव इन वाटर। ट्रू। एग्जैक्टली ट्रू। बिल्कुल ठीक है। वेल डन वेल डन। अ बिग मैक इज अ लार्ज रेनकोट। बिग मैक जो है वो एक रेनकोट का नाम है। ट्रू। नहीं बर्गर का नाम है ये हमने कंफ्यूज किया था। अच्छा आगे चलते हैं। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड एलिजाबेथ। यस देखो आपने कॉन्फिडेंस से कहा कि हाँ सही है। इंग्लैंड में काफी पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ क्योंकि इंग्लैंड में स्नेक्स ही नहीं होते। कैन यू इमेजिन। ये भी फैक्ट है कि इंग्लैंड में स्नेक्स ही नहीं है। ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए अभी मैंने सुना। अच्छा आखिरी आपके लिए आ रहा है। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 हैं लेटर्स। ट्रू। यस ट्रू। वेल डन वेल डन। क्या बात है सुपर से ऊपर। अच्छे स्कूल से पढ़े। सही बात है। तो कोई पैगाम देंगे आप दोनों अपने व्यूअर्स को। पहले मानो आपसे कोई पहले आप थैंक्स क्या पाए हमारे पास आने को थोड़ा टाइम दिया कोई पैगाम दीजिएगा। अच्छा अच्छा मेरा पैगाम ये है कि मैं इंशाल्लाह अपनी कंपनी से जो है ना एक फैशन शो जो है ना वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। कब हो रहा है वो शो। इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट लेंगे और हर साल जो है वो फैशन शो मैं अपनी कंपनी से लॉन्च किया करूंगा। मियारी होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली फारूक करे तो लेवल ही होगा। लेवल होगा इंशाल्लाह और साल में एक बार हुआ करेगा। ठीक है हर साल में खास शो। खास शो और इंशाल्लाह एक कवाली नाइट का सीन कर रहा हूँ मैं और बहुत जल्द वो भी जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ मैं और वो किसी यूनिवर्सिटी पैनल पे हम उसको करेंगे। होना चाहिए कनेट कॉलेज या एलसी का मेरा प्लान बना हुआ है। ठीक होगा डन हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आप कितना पैगाम देंगे। मैं यही सबसे पहले पैगाम दूंगा कि अपने यूथ को अपने इंस्टीट्यूट के वो डॉक्टर इजाज वारिस का शो देखे। आला, नाइस। और दूसरी बात ये कि इसी तरह हमारे गानों को प्यार देते रहे और जितने भी आर्टिस्ट हैं जितने म्यूजिक कम्युनिटी है उनको प्यार दें। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपकी आमद का दोनों का। इस चंक को विदा करेंगे आपके एक फिल्म परफॉर्मेंस पे। आप आ जाइए क्या सुना रहे हैं आप लोग। वापस आएंगे तो हमें दो और जबरदस्त गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज जाने कितना आज जाने कितना आज जाने कितना पहलों में
बैठे रहो आज जान की जिद ना आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना जाने की जिद ना तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम जान जा है जब उठ के जाते हो तुम जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम तुमको अपनी कसम जान जान बात इतनी मेरी मान लो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलों में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो क्या बात है क्या बात है फैंटास्टिक आ गए हम वापस और गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ और मैंने कहा था वापस आऊंगा तो दो हमें चेहरे मजीद ज्वाइन करेंगे यहाँ पर ऐसी नेमत है हमारे पास कि यहाँ पर बस लोग आते हैं जाते हैं और ये मेला सजता रहता है हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है शी इज़ एन अमेजिंग डिज़ाइनर और फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है क्लास का काम करती हैं और जो काम करती हैं कमाल कर देती हैं उसमें सादिया खालिद नाम है एक ऐसी डिज़ाइनर का जो बहुत आला पाए का क्वालिटी वर्क करने पे बिलीव रखती हैं तो आइए वेलकम करें हमारी बहुत ही अस्सलाम वालेकुम हर बार डिफरेंट अवतार में आती हैं कहीं कौन सी सादिया वो है ये तो बहुत अपनी है कैसी आप याद आ गया मुझे डिफरेंट तरह और कैसी आप और हाउ इज लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन नोट किया हमने कोविड नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आपको पता है कि ये इसकी जो सिम्टम्स थे वो भी खत्म नहीं हुए थे हम लोगों ने उतना टेक केयर नहीं किया तो वो इस वजह से भी है लहर कहने की आ गई है अल्लाह हम सबको सेफ रखे मैं तो खुद परेशान होता हूँ क्या किया जाए समझ नहीं तो आ रहा लेकिन हमारा जो कंट्री पाकिस्तान इस मामले में प्रिविलेज है कि पूरी दुनिया के जो मुकाबले में हम लोगों ने काफी देखिए मैं अभी खुश था कि 15 को डाइन इन शुरू हो जाएगा इनडोर वो भी खत्म हो गया अब वो दोबारा कैंसिल हो गया कि जाहिर बात है अगर डाइन अंदर हुआ कैसे और बढ़ जाएंगे चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट जो करता है अल्लाह करता है कोई अलग ही हिकमत होगी इसमें अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है जबरदस्त थैंक यू फॉर कमिंग ओवर माय प्लेजर एंड हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है जो कि मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और मेरी मुलाकात से हुई ऑलमोस्ट 2 साल पहले, तब ये छोटा सा था और अब ये बड़ा हो गया है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम अमेजिंग मॉडल शुएब असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शुएब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और छाए होते हैं आप स्नैपचैट पे हर चीज की दिखाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इवन खांसे का भी तो स्नैपचैट। बेसिकली आज दौर ही स्नैपचैट का। हाँ वाकई दौर तो है स्नैपचैट, लेकिन मैं थोड़ा कम यूज करता हूँ, मोर ऑन इंस्टा एंड व्हाट्सएप लगता ज्यादा है ना। लेकिन वेलकम बोर्ड, कैसा लग आपकी लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। फैशन बोर्ड सब सही जा रहा है? जी सबको चले ठीक है। और आप? अभी आप बहुत, आप मैंने कहा था कि अभी ना बैक स्टेज पे ये हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, गाते कहते वाह वाह क्या गा रहे हैं, आला क्या बात है। सो आइए जरा कहानी फिर जाने एक बार सादिया की कहानी, बिकॉज सादिया हर पल नए व्यूअर्स आ रहे हैं जो सादिया को आज अक्सर फर्स्ट टाइम में देख रहे होंगे। थोड़ा बताएं अपनी कहानी, अपनी मेहनत की कहानी बताइए। हमें बेसिकली आई बिलोंग टू मीडियोकर फैमिली, तो आई स्टार्टेड, पहले मैंने लेक्चरशिप किया, वाज अ लेक्चरर, माय फैमिली इज अ टीचर फैमिली, लाइक अपना एक बिजनेस था। सो आई स्विच टू फैशन इंडस्ट्री बिकॉज मेरे अंदर वो जो क्रिएटिविटी का एक थोड़ा सा एस्पेक्ट था उसको मुझे सेटिस्फाई करना था, सो आई थॉट कि आई शुड गो इन सम आर्टिस्टिक फील्ड, तो इसलिए मैंने फैशन की फील्ड को चूज किया। कुछ अर्सा मैंने जॉब की डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रांड्स के साथ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग फॉर माय ओन विद माय ओन लेबल, और मैं डिफरेंट ब्रांड्स को जो है वो इसके अलावा फ्रीलांस सर्विसेज भी देती हूँ, अपनी जो क्रिएशन है वो भी करती हूँ, एग्जीबिशंस करती हूँ, फैशन शोज ऑर्गेनाइज करती हूँ। सो ये छोटी सी स्टोरी है मेरी। तो ये आपकी कहानी हार्डवर्क की? जी बिल्कुल। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे इस पूरे सफर में? एक्चुअली अगर मैं बाय नेम किसी को चूज करूँ तो मारिया बी इज माय रोल मॉडल, लाइक जैसे उसने जीरो से स्टार्ट करके एक प्रिवेल कर लिया, पूरी फैशन इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया, सो शी इज माय रोल मॉडल, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसके फुट स्टेप्स पे कदम रख के मैं भी आगे बढ़ती चलूँ, स्लो एंड स्टडी, नॉट वेरी फास्ट, लेकिन ये कि जिस लाइन के ऊपर काम किया उसने जिस तरीके से किया, सो आई लाइक हर वेरी मच। So I want to be as famous and as privileged. So how do you rate HSY? there was a time I was a very big fan. Ab kya hua aisa? I don't know. shayad meri aesthetics badal gayi hai. Oh my god, nice. Yeah. Lekin unhone acting bhi start kar dekha aapne? Yeah, I have seen, aur wo unke maine shows bhi dekhe hain. As a person he is a very good guy, lekin as a designer I don't think so ki meri ab unse aesthetic match karti hai. That's the only thing. He is not bad at all. Okay, he is not bad at all. क्या बात है जी शुएब, कहानी आपकी बचपन से स्टार्ट करो। बचपन में बेसिकली मेरा बिलोंग करता हूँ मैं एक छोटे से गांव से, कसूर। कौन सा गांव है ये? कसूर से। कसूर से, ओके। तो वहाँ से फिर मैट्रिक मेरा वहाँ पे हुआ, उसके बाद स्टडी के लिए लाहौर शिफ्ट हो गए, तो लाहौर आते ही फिर एडमिशन कॉलेज में मिल गया, तो फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज लाइफ जो है वो अच्छी गई, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो यूनिवर्सिटी में लोग कहते थे कि आप मॉडलिंग स्टार्ट करो। या मुझे याद है आप ऑलमोस्ट 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, 3 साल पहले की बात है। तो फिर मैंने एक शो में गया, देखने गया, वहाँ से फिर एक डिज़ाइनर ने यानी कि वो अप्रोच किया। कौन थे वो लकी डिज़ाइनर? डिज़ाइनर्स आप नहीं थे? आई नो दैट। नहीं वो है शुएब है। ओके फिर? हाँ तो फिर उन्होंने फिर मेरा एक शूट करवाया, तो वो अच्छा आया, तो वो यानी कि जे डॉट का शूट था, फिर वहाँ से क्लिक हुआ और आगे आगे अच्छे काम वगैरह। तो आपको बेस्ट कैमरे पे किसने उतारा आज तक फोटोग्राफर्स में? फोटोग्राफर्स में एक है कराची के उमैर। ओके हाँ वो विकी तोसीफ वो थे उनके कोऑर्डिनेटर। ठीक है। उनके जो कैमरामैन थे वो थे उमैर। ओके फाइन। और फिर किस आपके फेवरेट मॉडल्स कौन से हैं? फीमेल्स मेल? शहजाद नूर। शहजाद नूर मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। और फीमेल्स में? फीमेल्स में एक सिद्रा राजपूत। ओह माय गॉड। आपकी चॉइसेस क्या हैं? दीज डेज माय चॉइसेस आर अ लिटिल डिफरेंट। पहले जब इस इंडस्ट्री में नहीं थे या थोड़ी एस्थेटिक थोड़ी वीक थी तो तब वो लगता था कि चिट्टी गोरी वाली जो मॉडल होती है। हाँ, अब ऐसा है। नहीं है तो अब वो जितनी टैन और डार्क मॉडल्स होती हैं मुझे अच्छी लगती हैं, लाइक आमना इलियास, लाइक सोनिया तारिक, इनके जो टैन इवन महम भी अच्छी है, महम भी अच्छी है, सही बात। तो अब वो थोड़ा सा नॉलेज हुआ है कि नहीं ये कॉम्प्लेक्शन में, क्योंकि खार भाई का ये रूल था खावर रियाज साहब का कि जो वो बहुत अच्छे ना गोरे लड़के हैं लड़कियाँ, तो ही आज दिन की जाओ धूप में खड़े हो जाओ फॉर 5 आवर्स
ताकि तुम्हारा रंग थोड़ा टैन होगा, ये भी होता है दुनिया में कि आप उल्टे काले कर रहे हैं उनको, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब मुझे समझ आ रहा है कि टैन इज द ब्यूटी एक्चुअली, ब्लैक इज द ब्यूटी, वी वर कंसीडरिंग, हम लोगों को ये शुरू से बताया गया था वही फेयर एंड लवली वाला जो फॉर्मूला था कि गोरी ब्यूटीफुल होते हैं, तो वो माइंड में था, लेकिन अब जब आइडिया हुआ है तो जितनी टैन मॉडल है आई लाइक देम, और इसी तरह मेल में भी जो टॉल डार्क एंड हैंडसम होते हैं वो अच्छे लगते हैं, रादर देन वो फेयर एंड थोड़े वो मस्कुलिन और उस टाइप के, आई लाइक कि जो थोड़े से ब्रॉड हो, टॉल हो, डार्क हो, वो मतलब मेल तो अच्छा लगता है। हाँ सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा बॉयज, आपसे एक सवाल करना है कि आप जब लाइव परफॉर्म करते हो, हमारी जो यंग यूथ है वो ज़रा इस तरह के म्यूजिक से ज़्यादा रिलेट नहीं कर रही, लेकिन हालिया ट्रेंड देखा गया कि कवालीज को भी अब यंग लॉर्ड पसंद कर रही है और वो आपके सॉन्ग्स को भी इस तरह पसंद कर लेती है, सो कैसा रिस्पॉन्स होता है लाइव ऑडियंस का? लाइव ऑडियंस आपके मेन टारगेट कौन सी ऑडियंस होती है? मेन टारगेट मैच्योर, हाँ लोग सुनने वाले हो, ताकि हमारे उनको पता हो कि म्यूजिक क्या है ना। एक्चुअल में ये हमारे कल्चर का म्यूजिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हम, चाहे वो मैं मेरे घर में है ना, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं ही करूँ, ये हमारे कल्चर का म्यूजिक है, इससे हमारा कल्चर शो होता है। मैं भी एक यंगस्टर हूँ, मैं गिटार भी बजा सकता हूँ, मैं भी पॉप गा सकता हूँ, आवाज़ तो मुझे दी, लेकिन हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर को क्यों भूलें? और इसमें रूहानियत है, इसमें ताकत है, इसमें खूबसूरती है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। और आप सर, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि अभी जरताज ने बताया कि हमारी सकाफत है, कल्चर है हमारा, और आप पूरी दुनिया का दौरा करें, मुख्तलिफ कबीलों में जाएं, शहरों में, कस्बों में जाएं, जिन लोगों ने अपनी सकाफत को जिंदा रखा हुआ है ना, वो लोग खुश हैं। नाइस, कितना अच्छा गा रहे थे, क्योंकि इसमें सोल है, डेप्थ है, लाइक यू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स व्हेनेवर यू लिसन देम, रादर देन वो शोर, और ये किसी टाइम में अच्छा लगता है जब आप किसी अच्छे मूड में है, थोड़े पंकी मूड में है, और लेकिन जब आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं, आप टायर्ड हैं अपनी लाइफ से, तो ये सोलफुल जो इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक होते हैं, यही आपको आजकल वैसे भी यंग पीपल वापस आ रहा है, लोग बच्चे फ्लूट पकड़ के खड़े ढोल भी बजा रहे हैं, ये वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव है। मैं कहना मैंने तक कोविड ने काफी हमें ना अपनी रूट से मिलवा दिया है, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो गाने में हो, इसीलिए आया था, हमें अपने रूट से मिलवाने के लिए आया था, हम लोग बहुत ज्यादा अपने रूट से जुड़ा हो गए, डाउन टू अर्थ हो गए हैं, हमें पता चल गया हमारी बेसिक्स क्या है, वहाँ पे पता चला कि जिंदगी कुछ भी नहीं है भाई, रूट तो ये बन गया था ना कि हमने 10 बजे डिनर किया, फिर रात को 3 बजे डिनर कर रहे हैं, वाकई, लेकिन वो बेस्ट होता है। देखिए चाइनीज खाया और छोड़ दिया, अगले दिन जब दोबारा गर्म करते हैं ना, वो जब मजा आता है, वो रात का नहीं, वो ज्यादा मजा आता है मुझे उसे खा के, सही बात है। लेकिन एक सवाल फिर जाते हैं टुवर्ड्स द गेम, कहते हैं कि जो बहुत दिल से गाते हैं उनको जल्दी प्यार हो जाता है, आपको प्यार हो चुका है दोनों को कि नहीं हुआ अभी तक? दुआ है कि अब बताओ, दुआ है कि प्यार ना हो, इश्क हो। ओह माय गॉड, वाकई सही बात है, दुआ है, ये अल्लाह से दुआ है, अभी तक प्यार नहीं हुआ आपको? और आपको सर, सबसे पहले तो अपने काम से इश्क, काम से ये बहाने से सवाल निकालेंगे आप? बिल्कुल, मुझे बताइए सच सच जवाब, डालने की कोशिश नहीं कर रहा, पहले तो इसी से इश्क है, इसी से मोहब्बत है, समझ लें कि इसके साथ एक जान होना पड़ता है सर, इसको करने के लिए बहुत कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ चीजों को मिस करना पड़ता, छोड़ दिया प्यार करना। ये तो है ही मोहब्बत, सही है, जस्ट जोकिंग, अच्छी बात है, काम करें और दिल से काम करें, बिल्कुल। गेम आ गई दिस और दैट, मैंने आप लोगों को रखा था आप आएंगे तब खेलूंगा ये गेम, इसमें दो दो ऑप्शंस देंगे हम आपको, आपने चूज करनी है एक ऑप्शन, आपसे स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके, टोस्ट और एग्स? एग्स। आला, जर्दी के साथ के जर्दी के बगैर? जर्दी, जर्दी बहुत जरूरी है। कार्डियो और वेट्स? वेट्स। आला, नाइस। फेसबुक और टिकटॉक? फेसबुक। यस। आइसक्रीम कोन या स्नो कोन? आइसक्रीम। ओके, मोबाइल गेम्स या कंसोल गेम्स? दोनों ही नहीं बाकी। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। ओके, रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल, सब लॉयल ही कहते हैं obviously. लेकिन रिच भी बुरे नहीं होते। हाँ, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास होते हैं, वक्त के फ्रेंड। चलो टाइम तो निकालो, अच्छा अच्छा आगे चलो। वो होता है ना जो हमेशा मजाक करता हूँ, डोंट वरी, मजाक होता है, हमारे व्यूज भी जानते हैं कि मजाक बहुत चलता है, बल्कि मुझे बहुत लोगों ने फीडबैक दिया व्हाट्सएप पे
कि हमें आपके मजाक अच्छे लगते हैं। उनका आला एक लड़की कहती है आप ना आपके मजाक नहीं। अच्छा ये जरूरी है कि जो रिच है वो लॉयल नहीं हो सकता? हाँ नहीं बात सुनो, अगर रिच और लॉयल क्या बात, क्या बात, क्या कॉम्बो होगा वो। ये कॉम्बिनेशन रेयर है, रेयर है, 0.1% होता है और आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल के होता है। हाँ एग्जैक्टली। बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग, स्मॉल गैदरिंग। ओके ठीक है आगे चलते हैं। कुछ और से ऑप्शंस आ गई थी, मैंने चेंज कर दी। स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स। ओके ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ओके अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? जवाब दिया गेस्ट ने आज ऑनलाइन, बिकॉज जान जाती है लेकिन धोखे भी धोखा हो जाता है, हो जाता होगा लेकिन आपके साथ सही एक्सपीरियंस रहा, जितने भी लिए ना मेरे साथ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। ठीक है रिसीविंग में ईमेल या लेटर? ईमेल। ओके पढ़ते हो ईमेल रेगुलर? ठीक है डन। पैसेंजर बनना पसंद है या ड्राइवर? I hate traveling. अच्छा तो फिर क्या आप चॉइस करें तो पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। ठीक है डन हो गया। टैबलेट और कंप्यूटर? टैबलेट। ओके नाइस वन। कॉफी और टी? दोनों 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 थोड़ा मुश्किल है ना। जब बारिश हो रही हो तो शुगर और विदाउट शुगर? डिपेंड ऑन आप तो विद शुगर ले सकती हैं आप तो ठीक है माशाल्लाह। डिपेंड ऑन मूड। हां जब बहुत बिटर मूड जब फिर आप कड़वाहट को तोड़ते हो उस मूड से। हां बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अक्सर ना आप कड़वाहट को तोड़ते हो कड़वी कॉफी पी के, हम भी जलेंगे जलाएंगे। सही कह रही हैं आप। ब्लाइंड्स और कर्टन? ओके ट्रेन और प्लेन? प्लेन। ओके दो तीन और रह गए। आइस कॉफी या हॉट कॉफी? हॉट कॉफी। ठीक है मीट और वेजीज? बटनी हूँ तो दोनों ही। आला नाइस क्या बात, दोनों के बगैर नहीं रह सकते। बाकी सही है। इंटरनेशनल वेकेशंस और न्यू टीवी? ओके सेव और स्पेंड? लास्ट आ गया स्पेंड। ओके और अच्छा आ गया ऑनेस्टी या बाकी फीलिंग्स? ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहाँ लेते हैं हम अपने पहले चंग से ब्रेक। आप देख रहे हैं जैजी का खास वाला शो गुड मॉर्निंग कोहिनूर। वी हैव विद अस अमेजिंग सादिया, वी हैव विद अस शुएब एंड वी हैव विद अस टू अमेजिंग म्यूजिशियंस। तो कमाल कर रहे हैं जरताज और अमून। अमून में ना याद हो गया आपका, लेकिन डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल जहाँ आप आके अपने होने का एहसास दिलाएंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ आइए। हमें लिखा नंबर आ रहा है 0320-942-8202। अपने होने का एहसास दिलाइए। वी आर लाइव राइट नाउ ऑन कोहिनूर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर भाग रहा है जैसे अपने पाँव पाँव भाग रहा है और मजा आ रहा है शो का। आप शो को देखते हैं पसंद करते हैं अच्छा लगता है। मेरे ख्याल है म्यूजिशियंस बैठे हैं तो इनका एक और लाइव परफॉर्मेंस हो जाए। अब क्या सुना रहे हैं? रंजिश। ओ माय गॉड जान लेवा है ये तो, आने दो। वाह यू लव दिस सना रंजिश से, क्या बात है। हाँ खान साहब तो गरे गा पगर नी पसा सारा पंखा नी पर नी पगरे नी पगर नी पसा। वाह से पहले एक शेर है। भूल जाना तो रस्म दुनिया है, भूल जाना तो रस्म दुनिया है, भूल जाना तो रस्म दुनिया है। आपने कौन सा कमाल किया, आप से मुझे छोड़ के जाना
सही फिर भी कभी ओ पहले से मरासम सही फिर भी कभी तो रस्म कुछ तो मेरे पिंदा मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझे को मनाने ऊपर से बहुत बहुत ऊपर था यू नो जब आप लोग गा रहे थे मैं क्या सोच रहा था कि मैं किसी होटल में एक महफिल करवा रहा हूँ म्यूजिकल नाइट आप लोग बैठी हुई है वहाँ पे सामने आप लोग बैठे हुए और हम इनको एंजॉय कर रहे हैं और जल्दी करने वाला मुझे लगता है मुझे इतना देखिए ऐसी आवाज़ें तो फ्लॉलेस होती हैं इनको बुलाना चाहिए यंगस्टर्स ये तो महफिल की जान होंगे सबसे बड़ी ब्यूटी की वो और सामने बैठी हूँ पेस्ट्री की आंटीज ये बहुत जरूरी है वो तो they will fall in love with your music I'm telling you along with gossiping वो gossiping बातें और साथ में आपके म्यूजिक साथ में खाना अच्छा सा आला जल्दी करते हैं ये प्लान गेम आ चुकी है एक और तीन का तड़का और अब हम तीन तीन चीजें पूछेंगे आपसे पहले अब आपसे स्टार्ट करते हैं थ्री थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी म्यूजिक और माय मॉम एंड माय डैड आला वाज नाइस थ्री थिंग्स दैट मेक यू सैड आप रेडी होते हैं बताऊंगा ये तीन हैप्पी नो तो नो हम उनको सेट पे लेके जा रहे हैं बहुत सी चीजें अब तीन चीजें आपको कभी गौर नहीं किया चीजों पे काफी चीजों से सैड हो जाते हैं लेकिन कभी अगर कुछ चीजें ऐसी जो हैप्पी करे ना वो जैसे उन्होंने बताया हाँ मॉम डैड की नाराजगी और म्यूजिक की तोहीन हाँ ये ठीक है डन हो गया थ्री थिंग्स यू कांट बाय विद मनी सही कह रही हैं आप लव केयर क्या जवाब दिया सुपर से बहुत ऊपर थ्री थिंग्स शुएब जो आप पार्क में करना पसंद करेंगे ओह माय गॉड यू कैन डू इन अ पार्क बिजनेस पार्क में पार्क के अंदर गए हैं आप पार्क जो पार्क होता है हाँ पार्क पी आर के वहाँ क्या करोगे जॉगिंग हाँ इतनी चीजें होती हैं हाथों में हाथ डाल के आए सही कह रहे हैं
चलिए आप पे आते हैं. थ्री थिंग्स यू कैन डू इन समर्स, यू लव टू डू इन समर्स एक्चुअली. आइसक्रीम. ओके, आइसक्रीम खाना. एंड आइसक्रीम, स्विमिंग. ओके, एंड पार्क में जाना. ओह नाइस, देखिए पार्क जाते हैं और आप नहीं जा रहे. अच्छा, थ्री इंटरेस्टिंग थिंग्स इन योर वॉलेट राइट नाउ. ये क्या चीज होती है वॉलेट में आपके? बता मेरे दे. एक तो भाभी की फोटो को. भाई क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा था ना प्यार हो चुका है. नहीं नहीं बताया नहीं, लेकिन इसने भाभी की नहीं, बाप की फोटो. चले थोड़ा सा मिलता है. देखिए शो सब देख रहे हैं. प्लीज प्लीज प्लीज, तभी तो आप कर रहे हैं थ्री मोस्ट सब कुछ जो पढ़े हैं. और दूसरा देखिए, मैंने सही कहा ना, हम तो आंखों से गेस कर लें कौन प्यार में है और नहीं है. दोनों प्यार में है. मनी, एटीएम. ठीक है, हाँ एटीएम कार्ड तो मस्त होता है. आप बिलीव करेंगे एक दिन मैं बाय चांस निकल गया एटीएम कार्ड के बगैर. लगा मेरी कोई औकात नहीं है दुनिया में. पैसे भी नहीं थे उस दिन, कैश भी नहीं था मेरे पास बाय चांस. तो मैं ऐसे ही दूर चला गया. अब वापस आना पड़ा मुझे डिफेंस से वापस. क्या है यार, पैसों के बगैर इंसान क्या करे? कुछ पॉसिबल नहीं है ना. फैक्ट है. थ्री थिंग्स दैट मेक योर हॉलीडे द बेस्ट वन. अपनों का साथ. बारिश. आला, जवाब बड़े मजे के दे रही हैं. और मोहब्बतें. मोहब्बतें होनी चाहिए इनके दिमाग के. सही कह रही हैं आप. आला, व्हेन यू मीट अ गर्ल, तीन चीजें आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनकी? इतना कॉमन सवाल है सभी, मतलब ऑब्वियसली केयर. बहुत शर्मीला है हमारा मॉडल लगता है. बात करने का स्टाइल बहुत करता है. ये तो नहीं कि वो वक्त को वक्त बोलती हैं. हाँ. ये बहुत जरूरी है, उससे ही आइडिया हो जाता है कि कौन कितने तनासुब को तनासुब. सही कह रहे हैं आप. चलिए अब दो आप करते हैं और. थ्री थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ. हाँ, मैं टोन की भूल जाता हूँ, मुझे क्या हो गया. शानदार को आप बताइए. मुझे मुझमें तीन चीजें जो पसंद है वो ये है कि सबसे पहले कि मैं आर्टिस्ट हूँ. नाइस, अच्छे जवाब दे रहे हैं ये भी, है ना. आखिर में अनाउंस किससे अच्छे जवाब दे. दूसरे नंबर पे मैं, दूसरे नंबर पे मैं लॉयल भी. लॉयल तो है आप. सही. स्टार क्या आपका? स्टार मेरा है. डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? जेमिनी. आया है. ठीक है, ओके. ठीक है, जून के पैदावार. जी सर, जून. ठीक है, डन डन. और थर्ड वन इज, थर्ड वन इज कह लें आपके जो आप रिसीव कर ले. चलिए आखिरी आपका आ गया. थ्री एक्सक्यूजेज यू ऑफन मेक जब लेट कहीं पहुंचते हैं आप, तो क्या तीन बहाने टॉप आपके? बाइक पंचर अभी. अच्छा, एक आप बता दीजिए, जब आप दूसरों से पूछते हैं तो मुझे बहुत जल्दी आंसर. हाँ, ये तो हो गया. ये फैक्ट है, ये फैक्ट बात है. एग्जैक्टली, लेकिन आप माने ये गेम मजे की है ना. ये बाकी इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आता है. मोस्टली तो आज मैं जल्दी आ गया, बहुत जल्दी आया. यूनिवर्सिटी में लेट पहुंचा करते थे या स्कूल लाइफ में? बाइक पंचर. ठीक है, बाबा बाइक पंचर. बाबा से पॉकेट मनी मिलते थोड़ा सा लेट हो गए. और थर्ड ये कि स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी और अपने काम के लिए. ठीक है, जबरदस्त. लास्ट आपका, थ्री वर्ड यू लव इन इंग्लिश. आप बताओ. एक तो लव ही होगा आई थिंक. सो नॉट रियली. फिर लॉयल्टी. ओके, रिस्पेक्ट. या हाँ, लगता है लॉयल्टी और रिस्पेक्ट बहुत जा रही है. ठीक है, डन हो गया. जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है. थ्री वर्ड्स फॉर गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैसी. अब बताओ, तुम्हारी सारे मुश्किल सवाल तो नहीं आए, तुमने जवाब भी नहीं दिया. सब तुम मुझसे बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल सवाल मुझसे ही पूछे गए. लेकिन मुश्किल क्या है, बता दे. आला आला और आला, थैंक यू सो मच. नाज़रीन, ये थी गेम और अभी वक्त आ गया आपकी विदाई का. लेकिन उससे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का. महफिल सजा दी आप दोनों ने और आज की लाइव परफॉर्मेंस. दोबारा भी आते रहिएगा, जल्दी मिलते हैं किसी महफिल में और वहाँ आपको मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ क्योंकि मजा आ जाएगा. और आप ऐसे गाने वहाँ भी गाइएगा. हाँ, फिर तो वहाँ गा सकेंगे. अच्छा, आप कोई पैगाम दलिस दीजिए अपने ऑडियंस को पहले. आप
पैगाम ऑडियंस के लिए है कि बस इखलाकियात सबसे बढ़कर है। हाँ ठीक है, मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी पैगाम दूंगा और इंसान के हमारे प्रोफेशन के हिसाब से ये है कि जो आर्टिस्ट जो सिंगर बनना चाह रहे हैं ना, बिना उस्ताद के ना बने, अपना उस्ताद ढूंढे, उसे काम सीखे और इखलाकियात को साथ नहीं दे सकते, मोहब्बत को साथ नहीं दे सकते। बहुत आला, थैंक यू सो मच जी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग रुपये पैसे के पीछे तो बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, खुद को भी देखना चाहिए, खुद के पैशन को देखना चाहिए। सुकून सिर्फ रुपये पैसे में नहीं है, क्योंकि बहुत सारा रुपया पैसा भी कमा के देखते हैं लोग, लेकिन बेसुकूनी रुपया पैसे से नहीं जा सकते। बिल्कुल सही। तो अपने सुकून के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने जो अंदर का जो ओरिजिनल जो टैलेंट है अंदर, उसको भी बाहर लेके आना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुकून उसी में। अमून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे मतलब क्या है अमून का? अमून का मतलब सर किंग है। किंग, ये इजिप्शियन नेम है। ओके ठीक है, डन हो गया। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग अप। गाना आपका भी होगा लास्ट में, फिर हम वापस जाएंगे ब्रेक पे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो एक और आला सिंगर हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में एक डांस ग्रुप भी आ रहा है, कुछ परफॉर्मेंस होगी आला पाए की। तो फिलहाल गाना आइए। आ गए वापस, गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, अवर फोन नंबर, जहां पर आप अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि आप इजाज़ वारिस के साथ हैं। हमें अब दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आला गाते हैं, एंड ही सिंग्स लाइव ऑन हिज गिटार्स एंड जस्ट रॉक्स द वेव। लास्ट टाइम आए थे तो मज़ा आ गया था, बिकॉज बहुत डिफरेंट म्यूजिक है इनका। उसामा सलीम नाम है एक ऐसे ही लड़के का जो ब्रिलियंस लाया अपने म्यूजिक में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस शर्ट, बहुत शुक्रिया। समर की सही शर्ट पहन के आया। बहुत शुक्रिया आपका। सो लाइफ कैसी जा रही है? मस्त मस्त जा रही है, बातें मजे करते हैं वैसे। हां सो वेलकम ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अभी आज प्यार होते हैं अच्छे से म्यूजिक के लिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल ट्रेंड आ गया है डांस ग्रुप्स का, काफी डांस ग्रुप्स आजकल छाए हुए हैं, हमारे शो में अक्सर आते रहते हैं और मजा करते हैं, हम फन करते हैं। आज यही डांस ग्रुप यहाँ पर कुछ परफॉर्म भी करेगा, उनके जो महारथी हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद उस्मान और पार्कर उस्मान ग्रुप है इनका, और वो यहाँ पर आज कुछ मज़ेदार से परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाएं उसके लिए। लेट्स मीट उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर आपसे ही स्टार्ट करते हैं उस्मान के, पर बताओ अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी के, ये पार्कर उस्मान ग्रुप और ये डांस का पैशन कब शुरू हुआ सब बताओ। एक्चुअली ये कि ये जो स्टार्टिंग हुई मेरी कि लाइक शोज़ वगैरह ही देखता था मैं, ठीक है। सो कभी यूट्यूब पे सर्च कर लिया इस चीज़ के बारे में, इतना पता नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में इतना ये इन नहीं है। हाँ। लेकिन ये अभी ये जैसे ही टिकटॉक स्टार्ट हुए हैं ना, हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं अपना कोई टैलेंट है वो बाहर ऐसे ही है। सो ऐसे ही मैं सर्च वगैरह करता था, यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखता था और प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर उसमें डेवलपमेंट हुई, उसके बाद जिमनास्टिक की तरफ चले गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला हूँ, डीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूसीपी के साथ भी चैलेंजेस किए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स हैं मेरा इसमें। वाओ। और इसके बाद तो एक अपने क्लब में टीम बना ली जिसका नाम पार्कर उस्मान के नाम से रख दिया, और पार्कर जो है वो एक इस गेम का नाम है। हमें पार्कर कहते हैं अपने आप को। पार्कर क्या है बेसिकली? बेसिकली ये एक गेम का नाम है। ओके। जिसमें जिमनास्टिक भी आ जाती है, फ्री रनिंग भी आ जाती है और सारे वर्कआउट्स वगैरह भी फिजिकली इसमें आ जाते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया है पार्कर, ठीक है। जो भी इस एक्टिविटी से ताल्लुक रखता होगा उसने अपने नाम से स्टार्टिंग में सबसे पहले जरूर लगाएगा पार्कर। ओके। लाइक जैसे मैं उस्मान हूँ तो मैं पार्कर उस्मान, या इसी तरह। Nice. तो इसी तरह मैंने अपने स्टूडेंट्स भी बनाए, टीम्स भी बनाई और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप बताएं कि इस पर कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे लाहौर में, पाकिस्तान में? Who are the top three dancers of Pakistan? Come on, dude, बताओ फटाफट से तीन नाम। मैं टिकटॉक वगैरह यूज करता हूँ, उसके अलावा भी काफी लोगों का मुझे पता है, जिसमें सबसे पहले तो मैं गौहर हयात को बहुत लाइक करता हूँ। Okay. उसका डांस बहुत वेल है, ठीक है, डांस के हवाले से। हाँ, और नंबर टू पे एक हमारे यहाँ पे ना पार्कर की फेडरेशन जो है वो एस्टेब्लिश करवा रहा है, न्यू एक पर्सन है उस्मान नवाज है उनका नाम। ओके, ठीक है। और जिमनास्टिक के अंदर जब देखा जाए तो मेरे अपने टीचर हैं, मिस्टर बुक्तावर उनका नाम है, वो आप टाइप इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सो उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, उनसे ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी ली है। बहुत आला। सो वो तो मेरे लिए काबिल एहतराम है कि मैं उनके पास जाता हूँ। और क्या बात है, जबरदस्त हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग।
आप बताइए दोबारा से कहानी अपनी थोड़ी सी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता और आ रहे नए नए। म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया तकरीबन 4 साल पहले और कॉलेज में होते थे तब दोस्त वगैरह करते थे म्यूजिक, तो सोचा मैं भी इस फील्ड में आऊँ। फिर मैंने इसे प्रॉपरली सीखा, हारमोनियम पे रियाजत वगैरह की, और फिर उसके बाद आजकल जो आपको पता है गिटार का दौर है, तो जिधर मैं होता हूँ उधर गिटार भी होता है। तो ये है कि इसको नया ट्रेंड म्यूजिक को जो देने का वो है शौक है, तो नए अंदाज से। शफकत अमानत अली, आतिफ असलम है जो आजकल के, नबील शौकत अली बहुत अच्छा गा रहे हैं, तो इस तरह से यानी कि जो प्लेबैक सिंगर्स हैं उनको मैं सुनता हूँ, खुद भी प्लेबैक सिंगिंग की तरफ मेरा। इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड्स पार्कर ग्रुप परफॉर्मेंस, हम कुछ गाना सुनना चाह रहे हैं। श्योर, गिटार उठा लो और दिल को दहला दो, दहलाना कहते हैं, कुछ और कहते हैं बहला दो, पर दहला दो, दहलाना तो खौफ ज्यादा करना होता है। चले आइए एक नई चीज। हाँ नई चीज सुनाओ कुछ। उन संग जुड़े नैना, उन संग जुड़े नैना, तुम संग जुड़े नैना, ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना। क्या बात है। ख्वाहिश है अब तो उन्हें देख के ही रहना। अब मौसम की भी बात हो जाए, ये प्यार का मौसम है, ये प्यार का मौसम है, ये प्यार का मौसम है, प्यार की गलियों में खो जाए कहीं हम तुम, वो कानों में रस खोले, वो कानों में रस घोले, जान निकल जाए भीगे होंठों से जब बोले, जान निकल जाए भीगे होंठों से जब बोले, दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो या ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, चिट्टा टुकड़े बने रहते, चिट्टा कुकड़े बने रहते, आसन दुपट्टे वाली है मुंडा सदके तेरे ते, कासन दुपट्टे वाली है मुंडा सदके तेरे ते, काला सूट ना पाया कर, काला सूट ना, चिट्टा सूट न पाया है, नजर न लग जावे करो बार न जाया है, नजर न लग जावे करो बार न जाया है, जुगनू या सितारा था, जुगनू या सितारा था, तेरे बाम पे जो चमका वो ही नाम हमारा था, क्या बात है, तेरे बाम पे जो चमका वो ही नाम हमारा था। बहुत आला, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आइए दावत देते हैं अब पार्कर उस्मान ग्रुप को कि वो आके अपनी धांसू परफॉर्मेंस दें। चलते हैं टूवर्ड्स द मेगा परफॉर्मेंस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनवार है। और आप कब से डांस कर रहे हैं? एक्चुअली जो मेरा जो बेसिक मेरी एक्साइटमेंट है, मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो पार्कर की तरफ है,
तो मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, पावर एक्सरसाइजेस जो हैं वो मेरा फन है। आला, तो आज यहाँ क्या होने वाला है? आज यहाँ धमाल होने वाला है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अहमद है। थोड़ा माइक पास कर लो। ओके सर। और क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली डांसिंग, जिमनास्टिक्स, पार्कौर। कितना शौक है डांस का? बहुत ज्यादा। कब से कर रहे हो? तकरीबन 5-6 साल हो गए। तो आज के लिए कितनी एक्साइटमेंट है? आजकल काफी ज्यादा है। अभी यहाँ के लिए? अभी यहाँ के लिए तो इंशाल्लाह देखिएगा, मजा आने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम कामरान है। और आप क्या करते हैं? मैं भी जिमनास्टिक करता हूँ और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। कितना शौक है, पैशन है डांसिंग का? मुझे बेतहाशा। बेतहाशा, ये सही वर्ड यूज किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये छोटू सा कौन है, क्या नाम है आपका? जियान है। अच्छा जान, आप क्या करते हो? मैं जिमनास्टिक। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैट्रिक में एग्जाम्स होने वाले हैं और आप डांसिंग कर रहे हैं? पैशन। पैशन के लिए कुछ भी चलेगा। और अब वक्त आ गया है परफॉर्मेंस का। अब मैं जाऊंगा बैक सीट पे और आप लोग एंजॉय करें इनकी मेगा परफॉर्मेंस। आई बॉयज छा जाइए। वेलकम बैक, आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसे के साथ। और अब लास्ट गेम खेलते हैं और गेम है दिल की बात दिल के साथ। कुछ रैंडम क्वेश्चंस करेंगे हम दिल के, आप उनके जवाब देने हैं। आपसे स्टार्ट। आर यू इन लव? यस आई एम। ओह माय गॉड, देखा ये होता कॉन्फिडेंस। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? नो नो। ओके, आर यू अ हाफ राइट एग लवर? No. Okay, nice. Have you ever danced in rain? Yes. Oh yeah, dance तो करना पड़ेगा। Dance तो बल्कि आपका वो है, सही बात है। Are you a cinema lover? Yes. कौन देखी आपने last film? Last movie मैंने देखी थी जनान। अच्छी फिल्म। अच्छा मुझसे कोई पूछे ना कि फिल्में देखती हो तो मैं कहता हूँ मैं दोस्तों को जो देख लेता हूँ। ठीक है। Are you a chicken कढ़ाई lover? Of course. Of course. जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हंस के निभाना पड़ेगा, बिलीव करते हैं इस बात पे आप? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम है या उल्टा है? उल्टा है थोड़ा। क्यों? वो इसलिए कि दुश्मनों का पता नहीं चलता, दोस्त तो हर कोई बनता है सामने, इनर का हमें नहीं पता होता। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो नो। अब हो गया लव एक्चुअली आफ्टर फ्यू साइट्स। I think liking in first sight is obvious, लेकिन love in first sight I don't like, मैं नहीं मानती, हो ही नहीं सकता। सही है, सही है। मोहब्बत बहुत बड़ा जज्बा है, प्यार बहुत बड़ा जज्बा है, आप उसे एकदम से कैसे किसी को उतार सकते हैं? बिल्कुल सही है। Do you believe in dates? जवाब वैसे ही नहीं आ रहे, तो कह रहे यार क्या हो रहा है। आप सवाल करते होते ये फिर आ गया। चलो ठीक है। आर यू अ ड्रामा लवर? यस। कौन ड्रामा देख रहे हो आजकल? एक जलन है ड्रामे का नाम, बहुत पुराना हो गया लेकिन जमाने बीत गए। आजकल जो चल रहे हैं बस ये स्पेसिफिक नहीं है। डंग मतलब डंग ने थोड़ा मायूस भी किया है। हां वो हाई डिस्कस आफ्टर पार्ट क्यों किया? हां वो कुछ हुआ तो है, खुदा और मोहब्बत आजकल चल रहा है। चलें आपका ठीक है, सीजन 3 आ रहा है उसका, सही बात है, बस हो गया। आर यू चीज ऑमलेट लवर? ऑमलेट लवर यस। ओह माय गॉड दैट्स फैंटास्टिक। इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स द एंडिंग, कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से। पहले तो आप आए हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया, मजा आया। कोई पैगाम देंगी अपने व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली लिव एंड लेट लिव, जिए जीने दें लोग, अपने घरों की खिड़कियां बंद करें, अपने अंदर की खिड़कियां खोलें, क्योंकि जब आप घरों की खिड़कियां खोलते हैं आपको दूसरों के ऐप दिखाई देते हैं। अपने अंदर की खिड़कियां खोलें ताकि आपको अपने अंदर के ऐप दिखाई दें, आप ठीक होंगे तो दुनिया भी ठीक हो जाएगी। आज की सादिया पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और आला है। थैंक यू। क्या हुआ सादिया? दुनिया ने कुछ सिखा दिया कह सकते हैं। आला, बहुत अच्छा बोली आज, वेल डन, फैंटास्टिक। थैंक यू। और जो बिल्कुल नहीं बोला वो है शुएब। शुएब कुछ कहेंगे पैगाम दिल से? पैगाम बस ये है कि अपने जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, उसको दिल से लगन से वो स्ट्रगल करें, और स्ट्रगल के मतलब के स्ट्रगल के दौरान ना नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ है। अगर नीयत आपकी साफ है तो इंशाल्लाह आप जरूर अपने काम को हासिल करेंगे। आपकी बहुत साफ है। Oh my God.
ये एंड पे बोला और फिर इसने वार किया मेरे ऊपर। हाँ ये यार कर को ये यार वो आया और जब भी आता है फतह करके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही सुन पाएंगे मैं आपसे, आपका टाइम थोड़ा कम है लेकिन आप कमाल गाते हैं, आते रहते हैं रेगुलर हमारे चंक में। कोई पैगाम? सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हम एक दूसरे को देखकर आजकल आर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो गाता है तो मैं भी गाऊं। हाँ। अपने अंदर इंसान को अपना आर्ट जो है वो पहचानना चाहिए कि उसमें कौन सा आर्ट है, फिर उसको आजकल के इतने मुश्किल दौर में फिर उसको वो आर्ट स्टार्ट करना चाहिए जो उसके अंदर अल्लाह ने उसको अता किया है। बिल्कुल सही। तो एक दूसरे को देखते हुए आप ना स्टार्ट करें कोई भी चीज, अपने अंदर आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करके आप उसको लेके चलें। बहुत मुश्किल लेकिन अच्छी बात कर दी आपने, आला। बहुत शुक्रिया आपके, आपका ग्रुप के आने का। कोई पैगाम देंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि आप हम अपनी न्यू यंग जनरेशन के हवाले से मैं बताऊंगा कि घरों पर ना बैठे रहें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना इंस्पायर होकर एक्सरसाइज की तरफ आए, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। तो अपने आप को फिजिकली भी फिट रखो ना, आगे टिकटॉक पे घर पे बैठे बस एक्टिंग करते रहे। रुपया नशे दिया पावे नजर बिलीव मी ऐसे ही होता है, ऐसे इतना हाई बार बनाते हैं ये लोग और इतने 10 फिल्टर लगा के अपने आप को गोरा करते हैं पहले। तो बहुत आला, आज का टाइम खत्म हो गया, कहाँ जा रहे हैं, बस कर रहे हैं आप। देखो अभी तो मजा आने लगा था शो का मुझे, लेकिन वक्त भाग गया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें मान बनकर और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अब मंडे को। इंजॉय करें अपना लॉन्ग 2 days का वीकेंड, खूब खाबे छाबे खाएं, चीट डेज बनाएं, जो कुछ करना करें, और दोबारा ज्वाइन करें हमें मंडे को सुबह 10 बजे, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है, जब जैजी बोलता है आप सब देखते हैं हमारा शो डेफिनेटली ऑन कोहिनूर। मिलते हैं 2 दिन की ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।